बोले हरे के सहारे की, श्याम प्यारे की, खाटू नरेश की। आज कथा का द्वितीय दिवस बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग आज ठाकुर जी के श्री चरणों में। मोरवी और घटोत्कच का विवाह, हमारे आराध्य हमारे कुल के देवता श्री श्याम प्रभु का जन्म उत्सव हम लोग मनाएंगे। बोल बांके बिहारी लाल की, खाटू नरेश की जय हो। कल हमने कथा को विश्राम दिया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा घटोत्कच के विवाह का प्रस्ताव, ठाकुर जी ने वीर घटोत्कच के लिए एक सुशील, एक सुंदर, साहसी, ग्रंथों में शास्त्रों में निपुण कन्या का चयन किया, जिसका नाम था कामकनकटा। ठाकुर जी ने उसको नाम से प्यार दिया मोरवी। बोल सच्चे दरबार की, मूर देवते की पुत्री मोरवी का प्रस्ताव जब ठाकुर जी ने रखा तो युधिष्ठिर कहने लगे, प्रभु जैसा आप उचित समझे, जो आपको मान्य वो हमें मान्य। ठाकुर जी उस कन्या की इतनी बड़ाई कर रहे थे केवल एक काम के पीछे। वो काम कौन सा था कि उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद जो स्वयं भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो गई, ऐसी बेटी को हर कोई प्रणाम करना चाहेगा। मैं हर कीर्तन में, मेरा नियम है, मैं हर कीर्तन में भजन जरूर गाता हूं बेटी का। क्यों? बेटी बचेगी, गाय बचेगी, गंगा बचेगी, तो हम लोग बचेंगे, वरना हम लोग भी नहीं बचेंगे। एक सेठ जी थे, सेठ जी का अटैक आया और सेठ जी खत्म। जब सेठ जी की शव यात्रा की तैयारी हुई, सेठ जी को ले जाने लगे तो उठा ही रहे थे, कंधा दे रहे थे बस, और दूसरे गांव के सेठ जी ने आके रोक दिया। बोले रुको, सेठ जी को नीचे उतारो। सब चौंक गए, क्या कारण है? सेठ जी की शव यात्रा नहीं ले जाने दे रहे, बोल रहे नीचे उतारो। सेठ जी का एक बेटा थोड़ा गुस्से से आया, बोले क्यों, हमारे पिताजी की शव यात्रा रोकने वाले आप कौन होते हैं? सेठ ने कहा, भैया 5 लाख रुपए मांगता हूं तेरे बाप में, तेरे पिताजी में 5 लाख रुपए मांगता हूं, वो दे दो, ले जाओ। चार बेटे थे सेठ जी के, चारों में खुसुर फुसुर होने लगी। अंत में निर्णय निकला कि जिसको दिए थे वही गया, पैसे किस बात के। और होता है कई बोलते हैं, अजी वो उससे पैसे लेने थे, भैया जिसको दिए उससे लो ना, हमसे क्यों मांग रहे हो। सेठ जी ने कहा, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, मैं जब ही जाने दूंगा। गया लेकिन पीछे छोड़कर तो गया है, जाने वाला गया लेकिन पीछे चार आप लोग तो हैं, आप लोग 5 लाख रुपए दो मुझे। बहस होने लगी, सेठ जी ने एक ही जिद पकड़ी कि मैं जाने नहीं दूंगा। वहां सब कुछ खड़ी खड़ी एक सेठ जी की बेटी देख रही थी। वो रोती रोती, जो शव यात्रा नहीं जाने दे रहे थे, जो 5 लाख रुपए उसके पिताजी में मांगते थे, उनसे आकर हाथ जोड़कर बोली कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगी, लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं, एक बार दाह संस्कार मेरे पिताजी का हो जाने दीजिए, मैं आपको दूंगी। बोले तू देगी? बोले हाँ मैं दूंगी, 5 लाख की जगह आपको 6 लाख रुपए दूंगी, लेकिन मेरे पिताजी की अर्थी का अपमान मत करो। इतना कहना हुआ और जो सेठ जी पैसे मांगने आए थे ना, उनके आंखों में से आंसू आ गए। बोले बेटा मैं कोई पैसे वैसे नहीं मांगता तेरे पिताजी में, मुझे तो 15 लाख रुपए इनको देने थे,
मैं तो ये ढूंढ रहा था कि दूं किसको, बोल सच्चे दरबार की। मैं तो 15 लाख रुपए देने आया था, लेकिन वो व्यक्ति तो ढूंढूं जिसको देने हैं। जब 15 लाख रुपए की बात आई ना, तो बेटे भी सन्न हो गए, बोले काश हम ही कह देते हमसे ले लेना। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो पानी मुल्तान गया वो तो गया, बोल सच्चे दरबार की। तो बेटियां तो वो है। जब प्रस्ताव ठाकुर जी ने रखा पांचों पांडवों के सामने, वीर घटोत्कच को बुलाया गया और प्रभु ने आदेश दिया कि मैं आदेश देता हूं, अब समय आ गया है, क्योंकि एक इतिहास बनने जाएगा आपके विवाह से। आप प्राग ज्योतिषीपुर जाएं और वहां की राजकुमारी काम कंटकटा से विवाह करें और उसको वर कर यहां लेकर आए। घटोत्कच ने अपने बड़ों की आज्ञा मानी, नमन किया, ठाकुर जी को नमन किया, और जैसे ही जाने लगे ना, ठाकुर जी ने बोला, सुनो, जहां जा रहे हो ना, अब तक वहां न जाने कितने राजकुमार, कितने राजा जा चुके, लेकिन जो गया वो वापस नहीं आया। वो शास्त्रार्थ करती है, जो जीत गया उससे ही विवाह करेगी। घटोत्कच कहने लगा, मुझे आगे का मार्ग दिखाएं आप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे घटोत्कच, जब आपको लगे कि अब आपके बस की बात नहीं है, उस समय मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हें आगे का रास्ता दिखाऊंगा। बोल सच्चे दरबार की। और यही हर व्यक्ति में होना चाहिए, जब कोई रास्ता नहीं दिखे ना, तो फिर इसके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि बाबा तू जाने और तेरा। उस समय देखना, बाबा को हमने किसी ने नहीं देखा है, हम लोग जितने यहां बैठे हैं ना, बाबा को हमने देखा नहीं है। बाबा एहसास है, बाबा को हम लोग महसूस कर सकते हैं बस। कई बार प्रेमियों के साथ होता है, कहीं से रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो फिर वो ये कहते हैं, बाबा अब तू संभाल बाबा। उस समय ऐसा महसूस होता है प्रेमियों को कि जैसे बाबा खड़ा है पीछे और बोल रहे, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। बोल हारे के सहारे की। प्रभु की आज्ञा लेकर घटोत्कच आकाश मार्ग से प्राग ज्योतिषीपुर पहुंचे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। सुंदर सा महल, बड़ा विशाल, लेकिन घटोत्कच ने उस महल में एक विचित्र बात देखी। विचित्र बात क्या थी? महल में पुरुष कोई नहीं था, केवल महिलाएं थी। बाहर अगर पहरे पर थी तो वो भी महिलाएं थी। और एक विचित्र बात जो सबसे ज्यादा उनको विचलित किया वीर घटोत्कच को, पूरे महल के बाहर की ओर नर मुंड लटके हुए थे। ये उनके मुंड थे जो विवाह करने के लिए काम कंटकटा के पास प्राग ज्योतिषीपुर गए। घटोत्कच ने जाकर और एक पहरेदारी से कहा कि सुनो, राजकुमारी से कहो कि पांडव कुल का एक दीपक आपसे विवाह करने के लिए आया है, महाबली भीम का पुत्र। पहरेदार कहने लगी, जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ, ये देख रहे हो ना जितने लटक रहे हैं, ये सब यही कह के आए थे कि हम शादी करने आए, विवाह करने आए, लेकिन आज तक वापस कोई नहीं गया। लेकिन कहते हैं वही बात, जिसके संग कन्हैया उसकी कभी ना डूबे, एक बार भरोसा करके तो देख, ये आएगा। बोली श्याम प्यारे की जय, खाटू नरेश की जय हो। बार बार समझाने पर भी घटोत्कच नहीं माने, विवाह करने आया हूं तो विवाह कर ही जाऊंगा।
पहरेदार अंदर गई, राजकुमारी से कहा, कामकंटटा से, मोरवी से, कि एक वीर पुरुष आपसे विवाह की लालसा रखता है, वो आपसे विवाह करने के लिए आया है। मोरवी ने कहा कि ससम्मान उनको अतिथि गृह में लाया जाए। ससम्मान अतिथि गृह में वीर घटोत्कच को बैठाया गया, सत्कार किया गया। अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे भारतवर्ष में पौराणिक काल से, बोलहारे के सहारे की, खाटू नरेश की, अतिथि गृह में उनको बैठाया गया और एक निश्चित समय दे दिया गया कि इतने समय बाद में राजकुमारी आपसे मिलने के लिए आएगी। कुछ समय बाद मोर भी वहां कक्ष में आई कि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं? हां, मैं लालसा लेकर आया हूं और मैं आपसे विवाह कर ही जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा, आपको लेकर जाऊंगा। फिर एक बार फिर चेतावनी दी कि आप अभी भी जा सकते हो, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आप अभी भी जा सकते हो, लेकिन अगर मन में विश्वास है ना, और पक्का विश्वास है और इसके प्रति विश्वास है कि बाबा हमारे साथ है, ठाकुर हमारे साथ है, तो आपका काम कोई भी नहीं रोक सकता। ठाकुर हमारे साथ सदा रहता है। एक वो भजन है ना, आपने सुना हो तो, थारे घट में बिराजे रे दीनानाथ, मंदिर में काई फेरती फिरे। बाबा हमारे साथ रहता है, प्रभु हमारे साथ रहता है, हर समय साथ रहता है। बस हमारी हालत उस फकीर की तरह है जो एक जगह पर बैठकर भीख मांगता था। जहां पर युवा अवस्था में वो फकीर बैठा था ना, उस जगह को उसने कभी छोड़ा नहीं, एक ही जगह बैठकर भीख मांगता था। बुढ़ापा आ गया लेकिन उठा नहीं, अपने नित्य कर्म भी वहीं किया करता था। उस भिखारी से इतनी बुरी बदबू आती थी कि लोग उसको अगर पैसा भी फेंकते थे तो बड़ी दूर से फेंकते थे, दूर दूर तक बदबू मारता था वो। नहाना धोना कुछ नहीं, बस जहां एक बार वो बैठा था उसके बाद कभी दोबारा उठा ही नहीं। जो काम करना है सब वहीं करना है। एक रोज भिखारी जी के प्राण पखेरु उड़ गए, लोगों ने मजदूर बुलवाए, वहां का जो प्रशासन था उसको सूचना दी कि ऐसे ऐसे ही आदमी मर गया, इसको ले जाओ। भिखारी को वहां से आकर ले गए, उसका दाह संस्कार जिन्होंने करना था कर दिया। भिखारी के वहां जाने के बाद भी बदबू ने पीछा नहीं छोड़ा, बुलहारे के सहारे की जय जय श्री। भिखारी को वहां से ले जाने के बाद भी बदबू ने पीछा नहीं छोड़ा। गांव वाले परेशान हो गए और ये निर्णय लिया गया कि जहां भिखारी बैठता था ना, वहां की मिट्टी खुदवाई जाए और उस मिट्टी को खुदवा कर और शहर से बाहर फेंकवाया जाए। मजदूरों को काम पे लगाया, मुश्किल से 4 या 5 फुट मिट्टी खोदी होगी और एक बड़ा विशाल एक घड़ा जिसमें सोने की असरफियां भरी हुई थी वो निकला। एक एक रुपये मांगने वाले भिखारी को पता नहीं था कि वो जिस जगह बैठा है उसकी साथ नहीं, न जाने कितनी पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी खा सकती थी, लेकिन उस भिखारी को पता नहीं था वही हालत हम लोगों की है। हम भी उस भिखारी से कम नहीं है। ठाकुर हमारे भीतर है, ठाकुर हमारे साथ है,
बस बात है समझने की। बुलबा के बिहारी लाल बात है समझने की, और वो बुद्धि मेरा प्रभु सबको देता है लेकिन काम कोई कोई लेता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। घटोत्कच ने निर्णय ले लिया कि मुझे तो विवाह करके जाना है, अंत में मोरवी ने कहा कि अगर मुझसे विवाह करना चाहते हो तो मुझसे आपको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, अगर आप जीत गए तो मैं निसंकोच आपके साथ चलूंगी, मैं आपको अपना पति मान लूंगी, और अगर हार गए तो मैं आपको मार दूंगी। वीर घटोत्कच ने कहा कि मंजूर है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। वो एक अपने मारवाड़ी में कहावत भी है कि उंगली मात दे दियो धमका से के डरनो, भले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मेरी शर्त है, आज पहला प्रसन्न मैं करूंगा, आज अगुवाई आप नहीं अगुवाई मैं करूंगा, और उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भले मुझे मंजूर है। अब जो घटोत्कच ने प्रसन्न किया वो सुने आप। हे मोरवी, एक शहर में एक बहुत धनवान सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी का नित्य नियम एक तवायफ के यहां आना जाना था, एक नाचने वाली के घर रोज जाया करते थे। इतना प्रेम बढ़ गया उस नाचने वाली में और सेठ जी में कि दोनों ने विवाह कर लिया। बहुत खूबसूरत थी वो। एक वर्ष बाद उस नाचने वाली के यहां एक कन्या ने जन्म लिया, और जन्म देते के साथ ही वो स्वर्ग सिधार गई। सेठ जी ने पालन पोषण किया, उस बच्ची को पढ़ाया लिखाया, अच्छी शिक्षा दी, किसी बात की उसको कोई कमी नहीं होने दी। धीरे धीरे वो बच्ची जवां होने लगी, और एक समय वो आया जब उसकी युवा अवस्था आ गई। सेठ जी का मन उस बच्ची पर खराब हो गया। सेठ जी ने ये कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, तुम मुझसे विवाह करो। बेटी ने कहा, उस लड़की ने कहा कि मैं तो आपकी बेटी हूं, आप मेरे पिता हो, पिता और पुत्री का विवाह कैसी बातें कर रहे हैं आप? लेकिन जब मन में पाप आता है ना तो फिर रिश्ते भूल जाता है, और वही पाप सेठ जी के मन में आ गया था। कहने लगी, किसने कहा तुम मेरी बेटी हो? किसने कहा? मैंने तुम्हें पाला है लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। एक रोज मैं किसी दूसरे राज्य से आ रहा था तो रास्ते में एक दंपति थी जो किसी कारणवश दुर्घटनावश वो मर गई थी, और वहां पड़ी पड़ी तुम रो रही थी। मैं तुम्हें लेकर आया, मैंने तुमको पाला, तुम्हें पोसा, अब मेरा हक बनता है, तुम मेरी बेटी नहीं हो। अगर मेरी बेटी होती तो ये बात मैं करता ही नहीं। इतना जब कहना हुआ तो वो जो कन्या थी उसने भी माना कि इसने मुझे पाला है पोसा है, आज ये नहीं होता तो मैं नहीं होती। वो शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए तैयार हो गई। सेठ जी ने उस लड़की से विवाह किया। एक वर्ष पश्चात उसके एक कन्या ने जन्म लिया। मोरवी मुझे बताओ, सेठ जी का उस कन्या से क्या रिश्ता हुआ? बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
जब मोरवी के को समझ नहीं आया, उसने अपना खड़क उठाया और जैसे ही घटोत्कच पर प्रहार करने लगी, बिजली की तरह वो लपक कर आई, तो बिजली की तरह ही घटोत्कच ने उसका एक हाथ पकड़ लिया जिसमें खड़क था और दूसरे हाथ से उसके बाल पकड़ लिए और धरती पर गिरा दिया। बोल सच्चे दरबार की, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। घटोत्कच कहने लगे, नहीं, चालाकी बिल्कुल नहीं चलेगी, जिससे तुम चालाकी कर रहे हो ना, उसके पास चालाकी वही बात, जिसके संग नहीं है उसकी कैसे डूबे। जब बहुत देर तक घटोत्कच ने मोरवी को नहीं छोड़ा, अंत में उसने माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं आपसे विवाह करूंगी, मैं आपसे विवाह करूंगी, मैं आपको अपना स्वामी मानती हूं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, आओ। लेकिन घटोत्कच ने मना कर दिया कि मैं तुमसे विवाह इस तरह से नहीं करूंगा जिस तरह से तुम कह रही हो। बाकायदा बारात लेकर आऊंगा, ऐसे थोड़ी करूंगा। बुलहारे के सहारे घटोत्कच मोरवी से विदाई लेकर और इंद्रप्रस्थ की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचे, खबर सुनाई, सब बड़े हर्षित हुए और विवाह की तैयारियां होने लगी इंद्रप्रस्थ में। बुलहारे के सहारे की जय, जय श्री राधे। राधे नाम का जयकारा जब भी जहां भी लगे। दो बातों का हर हिंदुस्तानी को, हर भारतवर्ष के व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, दो बातों का। एक तो राष्ट्रीय गान कहीं कान में पड़ जाए ना, तो वहीं खड़े हो जाओ, और राधे नाम का जयकार अगर कान में पड़े तो दोनों हाथ समर्पित भाव से ऊपर, जय जय श्री राधे। विवाह की तैयारियां संपन्न हुई, सुंदर सा प्यारा सा बना बनड़ा वीर घटोत्कच को बनाया गया और बारात इंद्रप्रस्थ से प्राग ज्योतिषीपुर की ओर रवाना हुई। भीम लालो चाल्यो मोर विने ब्याबाने, कानूड़ा रो वचन निभाबाने। भीम लालो चाल्यो मोर विने ब्याबाने, कानूड़ा रो वचन निभाबाने। चालो मोर बिन प्यावाने,
खुद नारद आया मंगल गाबाने कानूड़ा रो वचन निभाबाने दीप लालो चालो मोरी मीने गाबाने कानूड़ा रो वचन निभाबाने। ऐसे थोड़ी जाती है बरात, ऐसे थोड़ी जाती है। अरे जब अपनी भाई की बारात में नाच सकती हो तो ये क्या भाई से कम है क्या? मेरा ठाकुर जो बैठा है झूमते हुए नाचते हुए एक साथ अपने स्थान पर खड़े हो, अपने स्थान पर। अरे महाबली भीम चल बीनड़ी लिया बाने कानूड़ा रो वचन निभाबाने भीम लालो चलो मोर बीनड़ी लिया बाने कानूड़ा रो वचन निभाबाने
की नजर उतारा रे, हर नजर न लागे बजारी नजर उतारा रे, हर नजर न लागे रे बेथारी नजर उतारा रे, उधर नजर न लागे रे बारी नजर उतारा रे। सज धज बरात है आई, मोरवी और घटोत्कच का विवाह श्री कृष्ण के पावन सानिध्य में प्राग ज्योतिषीपुर में संपन्न हुआ। जिस समय मूर देवते अपने प्राण त्याग रहे थे, उनके महामंत्री भगदत्त मोरवी का हाथ भगदत्त के हाथ में दिया और कहा कि आज से तुम्हें इसे संभालना है। भगदत्त कन्यादान करवाने के लिए आए, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुलिकाक्ष मंगलाय मोरे, जय हो जय हो। दोनों हाथों की सेवा भाई,
कहियां बैठा हो चुपचाप बाबा थे मारा माँ बाप कहियां बैठा हो चुपचाप बाबा थे मारा माँ बाप ओ वहां पे लागी था की छा हारे भरोसे में हसावेरा ओ हारे भरोसे में हसावेरा हो चुपचाप बाबा थे मारा बाबा आप लागी था की छा हारे भरोसे में हंसा मेरा हो तारे भरोसे में हंसा मेरा दोनों हाथों की सेवा भाई एक साथ सच्चे दरबार की जय हो हाटू नरेश की जय हो प्राग ज्योतिषीपुर में विधि विधान से शुभ बेला और शुभ लगन में
वीर घटोत्कच और काम कटकटामूर देते की पुत्री मोरबी का विवाह संपन्न हुआ। जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, अगर आपको मेरे द्वारा YouTube पे लगाए भजन पसंद आ रहे हों, अच्छे लगते हों, तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं प्रकाश गढ़वाल आपकी सेवा में सदैव हाजिर रहूंगा और आपका प्यार मुझे सदा यूं ही मिलता रहे। जय श्री श्याम।